अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जोनारास व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपको पोटैटो पिनव्हील्स की रेसिपी बनाने सिखाऊंगी, जिसके इंग्रेडिएंट्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, नोट कर लीजिए। मैश पोटैटोस 1/2 kg, फ्रेश कोरिएंडर 1 tablespoon, ग्रीन चिलीज 1 teaspoon क्रश्ड, टर्मेरिक 1/2 teaspoon, सॉल्ट 1 teaspoon, क्यूमिन सीड पाउडर 1/2 teaspoon, चिली फ्लेक्स 1 teaspoon, रेड चिलीज 1 teaspoon। लेमन जूस 1 teaspoon। डो मेकिंग के लिए इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। ऑल पर्पस फ्लोर 2 cups, ऑयल 3 tablespoon, सॉल्ट 1 teaspoon, अजवाइन 1/2 teaspoon, वाटर 2 cups। अब एक बाउल ले लीजिए, उसके अंदर ऑल पर्पस फ्लोर को ऐड करने के बाद तमाम इंग्रेडिएंट्स को उसमें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अजवाइन, सॉल्ट एंड ऑयल को हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ड्राई मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके वाटर ऐड करेंगे और एक स्मूथ डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके वाटर ऐड कर रहे हैं। ये हमारी डो रेडी हो चुकी है। अब हम इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको कवर करके रख देंगे। अब हम इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। फिलिंग के लिए हमें मैश पोटैटोस चाहिए। एक बाउल में हमने मैश पोटैटोस ले लिए। इसके बाद हमने इसमें क्यूमिन पाउडर, क्रश चिलीज, टर्मेरिक, सॉल्ट, ग्रीन कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज, रेड चिलीज, ये तमाम चीज़ें डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर 1 teaspoon लेमन जूस ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करके इसको रेडी कर लेंगे। ये हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। अब हम डो ले लेंगे जो हमने रेडी की थी। थोड़ा सा फ्लोर सरफेस पर और इसके ऊपर डस्ट कर लेंगे और इस डो को 2 pieces में कट कर लेंगे। और दोनों को एक राउंड शेप दे लेंगे। अब हम इसी तरह से दूसरे पीस भी लेकर इसको भी रेडी कर लेंगे। अब हम इनमें से एक डो को लेकर इसको प्रेस करेंगे।
और प्रेस करने के बाद अच्छे से इसको फ्लैट कर लेंगे और एक रोटी की शेप दे लेंगे। ज़्यादा मोटा इसको नहीं बेलना है, हमें इसकी पतली रोटी ही बनानी है। ये देखिए, रोलिंग पिन की मदद से हम इसको अच्छे से बेल रहे हैं। अब हम इसमें जो फिलिंग हमने रेडी की थी उसको स्प्रेड कर देंगे। अच्छे से इस पूरी सरफेस के ऊपर फिलिंग को हमने स्प्रेड कर दिया। अब हम इसका एक रोल रेडी कर लेंगे। इसको टर्न करते हुए इसका एक रोल रेडी कर लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। छोटे छोटे पीसेस में हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, एक व्हील की शक्ल आ गई है इसकी। ये हमारे पोटैटो पिन व्हील रेडी हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। फ्राई के लिए हमें इसकी कोटिंग रेडी करनी है। कोटिंग के लिए हमें 1 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च चाहिए। वाटर ऐड करके हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। ये हमारे पोटैटो पिन व्हील की कोटिंग रेडी हो गई है। अब हम एक पैन में ऑयल ले लेंगे फ्राई के लिए। और इन पिन व्हील्स को 1 by 1 कोटिंग में डिप करके फ्राई करते जाएंगे। ये हमने कोटिंग में डिप किया और इसको फ्राई के लिए डाल दिया। इसी तरह से तमाम पिन व्हील हमें फ्राई कर लेने। सिक्स टू सेवन मिनट हमें एक साइड फ्राई करनी है और 6 to 7 मिनट हमें इसकी दूसरी साइड फ्राई करनी है। सिक्स टू सेवन मिनट हो चुके हैं। अब हम इनकी साइड्स को पलट देंगे। दोनों साइड से बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। हमारे मज़ेदार पोटैटो पिन व्हील्स रेडी हैं। सर्व कीजिए, इंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।